अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? से मुझे उम्मीद है आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। चमके चु ना तो और ये है मीनार पाकिस्तान की एंट्रेंस, जहाँ पे माहौल बहुत ख़राब था, बिल्कुल भी फैमिली टाइप की जगह नहीं थी, तो हम यहाँ पे नहीं गए। हम डायरेक्टली जो है बादशाही मॉस की तरफ चले गए। बस हम जाने लगे हैं अब बादशाही मॉस। दुपट्टे वगैरह पहन लिए हैं हमने, शरीफ बन गए हैं हम। बाय वॉक हम जा रहे थे बादशाही मस्जिद, लेकिन लंबा था रास्ता बहुत वहाँ का, तो हमें बीच में घोड़ा सवारी मिल गई। उन्होंने कहा कि मैं आपको बादशाही मस्जिद भी ड्रॉप कर देता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको पूरे पार्क का चक्कर भी लगवा देता हूँ, यानी कि उसमें मीनार पाकिस्तान आ जाएगा, म्यूज़ियम आ जाएगा, सिखों की कोई थी कोई जगह भी थी, सेलिब्रेशन के आज का दिन था तो वो भी आप देख लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम सारा पार्क वगैरह एक्सप्लोर कर देंगे और एंड में जो है हम बादशाही मस्जिद चले जाएँगे। ऑनेस्टली जैसा मैंने सोचा था ना, मीनार पाकिस्तान बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मैंने लगा कि बस ये ब्लिंक करेगा, अंडरस्टैंड कि आईफिल टावर की तरह नहीं हो सकता, लेकिन यार कुछ तो शोशा होगा। ये मीनार पाकिस्तान ने इतना छोटा सा बना के रख दिया है, कोई कुछ स्पेशलिटी क्यों नहीं थी। और ये है लाहौर का इंटरनेशनल देखे, सिखों का मेला लगा हुआ है यहाँ पे। ये सारे जो हैं उसे खाते जा रहे हैं यहाँ पे। हमारी बादशाही मॉस भी बंद हो गई, बस फिर हम हवेली जा रहे हैं, वहाँ से व्यू लेंगे। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डार्कनेस इन द वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्यारे पाकिस्तान में लाइट गई हुई थी और लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, तो फिर बस ऐसे ये नज़ारे आएंगे ना अंधेरों वाले। तो मैं क्या करूँ, मैं एडिट करके देखूँगी ब्राइटनेस आए, वरना बस ये आप अच्छा ही मॉस्क का व्यू इंजॉय करें, कितना प्यारा आ रहा है। और ये लाहौर का सिटी आ गया, और ये फिर से चक्कर में मीनार पाकिस्तान आ गया। मैंने जो है गजरे ले लिए हैं मीनार पाकिस्तान के सामने। यहाँ पे हमने स्टॉप किया है, हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। लुक एट दिस, मीठे मीठे इस वक्त रात हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, हब्स का माहौल हो रहा था और यहाँ वहाँ हम घूम के आए थे, तो बहुत शदीद ज़रूरत थी पानी की। पानी तो नहीं मिला, डिहाइड्रेशन हो गई थी, लेकिन ये गन्ने के जूस ने जो है ना हमारी लाइफ सेव कर दी, एकदम से फ्रेश कर दिया। ये देखिए लॉर लॉर है। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स निकाल रहे हैं ये लोग इनके साथ। ये इनकी लाइव म्यूजिक यहाँ पे चल रही है और ये हमारी हवेली आ गई है। ये हवेली है। अच्छा, कब बनाई थी आपने? आपने गवर्नर गजाला? हाँ जी, जरूर आएंगे। आपने कब ये बनाई थी? जरूर आएंगे, हवेली जरूर आएंगे। थोड़ा सा आगे की देख के फिर हमारे यहाँ कितने लोग हैं? सामने देखे पान दिया, ये सारी पुरानी मंजिले लाओ। सामने देखे पान दिया, ये खाने के बाद। ये जो है ये सिटिंग एरिया है, हम आगे जा रहे हैं, देखते क्या क्या होता है, हम खुद पहली दफा आए। और यहाँ पे फूड स्ट्रीट में जो है ना, ये सारी ज्वेलरी वगैरह की भी शॉप्स हैं, और यहाँ पे जो है फॉर हाइट से होटल है शायद। ये जो है सिटिंग एरिया है। दोनों जल्दी से मैं अपनी फोन साफ
साफ करके कि बिजी हो गई, मतलब थक गई हूँ, लेकिन अभी पता चला कि बाहर तो धुंध है। हम देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर करते हैं। सो इनका मेन्यू कुछ ऐसे दिखता है, हम देखते हैं हम क्या ऑर्डर कर देते हैं। ये देखिए पंजाब में जो है सिंधी सॉन्ग चल रहा है। अच्छा लगता है ना किसी और स्टेट में, किसी और सूबे में सिंधी सॉन्ग चले तो दोस्तों मुझे। ये हम सबकी जो है प्लेट्स वगैरह लग चुकी हैं, अब खाने का इंतज़ार है। जल्दी खाना है तो हम खा रहे हैं। और ये है कुछ अंदर से व्यू इनका। जितनी ज़्यादा मुझे भूख लगी थी उतना ही लेट मेरा स्टे आया हुआ था, लेकिन अगर खाने की बात की जाए तो इट वाज लाइक 8 out of 10 सर्विस वगैरह मिला के, हर चीज़ मिला के। अभी हम जा रहे हैं, हमने खाना वगैरह खा लिया है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन। यहाँ पे आज हमारी थर्ड सुबह है और लाहौर से जाने से पहले हम ब्रेकफास्ट ज़रूर करके जाएंगे। और हम ब्रेकफास्ट के लिए हमने डिसाइड किया है कि वी विल गो टू द टिम हॉर्टन्स ब्रेकफास्ट करके खैरों से, बस फिर हम हैदराबाद के लिए निकलेंगे। एंड बहुत दुख हो रहा है मुझे कि बस हमारा ट्रिप एंड हो रहा है। यूसुफ कह रहे हैं मरियम एंड मारिया। सबका ब्रेकफास्ट डिसाइड हो गया। मैं इतनी इनडिसाइसिव हूँ ना, क्योंकि मैं इनसे पूछ रही थी कि आपके जो अच्छे सबसे ऑनगोइंग सैंडविचेस कौन से हैं, क्योंकि एक बार मैंने दुबई में जो खाया था वो बहुत मज़े का था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स थे यहाँ के हिसाब से थे। तो इन्होंने मुझे तंदूरी रिकमेंड किया और उन्होंने कहा कि उसमें हलापिनोज होते हैं, एंड मैंने कस्टमाइज़ करवाया कि प्लीज़ वो ऐड ना कीजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तो बस ये सारा ऑर्डर मैंने अपना दिया, फिर हनी और मामा वालों का दिया और उनका मुझे याद नहीं रहा। फिर मैं हनी से पूछने लगी कि क्या मतलब कंफर्म कर दो अपना ऑर्डर। तो बस हमने ऑर्डर दे दिया, पेमेंट वगैरह हो गई और अभी हम जो है बस वेट कर रहे हैं। एंड मैं जो हूँ ये टिम हॉर्टन्स का जो आउटलेट है वो
डिस्कवर कर रही थी, मतलब आप सबको दिखा रही थी, क्योंकि ये बहुत वायरल हुआ था जब लाहौर में ओपन हुआ था। और इसकी जो रिव्यू है ना, वो बहुत मज़े की है, क्योंकि इनकी कॉफ़ी हमेशा से बाहर अगर हम पीते हैं तो अच्छी होती है, पाकिस्तान में भी वही इनकी क्वालिटी थी कॉफ़ी की। तो आई विल रिकमेंड, लाइक आई वुड से कि 10 out of 10 इनकी सर्विस, इनका क्वालिटी, हर चीज़। कॉफ़ी सारी मेल्ट होती जा रही है, अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं आया, ये मेरा सैंडविच आ गया। ऑलरेडी मेरे सैंडविच में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि कॉफ़ी सारी मेल्ट हो रही थी, और ऊपर से मैंने कहा कि मैंने मीठे में तो इतना कुछ खास लिया ही नहीं है, तो फिर ये टिम्बिट मैंने ऑर्डर किए और उसमें और मज़ीद टाइम लगा। टिम्बिट्स लिए थे जो लास्ट में, वो थे स्ट्रॉबेरी में एंड चॉकलेट में। स्ट्रॉबेरी के इतने मज़े के नहीं थे बिल्कुल ही, जो है ना जैम फिल्ड लग रहे थे, लेकिन चॉकलेट का बहुत मज़े का था, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड अब हम जो है लाहौर से निकल रहे हैं, हमारा ट्रिप फाइनली यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड बस रवानी है हैदराबाद की तरफ। बस खैर से हम पहुँच जाए, तो फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि है ट्रैवल का। और ये था मेरा बस यहाँ तक का व्लॉग, लाहौर पे एंड होता है। लाहौर के बाद जो व्लॉग होगा वो फिर मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी। एंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।